बेटा आज के लेक्चर में कोई न्यू स्टूडेंट है? हाँ बेटा, कोई नया बच्चा? यस सर। सबसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सर और प्रोग्राम एंड पर ये डिस्कस किया था बेटा लास्ट लेक्चर में। तो इससे पहले हम लोग कौन सा रोल, हम लोग टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेटा? लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो न्यू स्टूडेंट है ध्यान दे बेटा, टॉपिक क्या? लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो करंट टॉपिक चल रहा है वो क्या है बेटा? लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहीं से स्टार्ट भी किया, हम बोल भी सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग में इसी को बस पढ़ा रहे हैं हम। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले इलेक्ट्रॉन्स रहता कहाँ पे ये बताया ना बेटा सबको। यस सर। इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ बेटा? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रटा होना चाहिए बिल्कुल। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का क्या लोकेशन है बेटा? ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? सबशेल। सबसेल कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिट में। ऑर्बिट या इसी को बोलते हैं बेटा सेल। सेल। और ऑर्बिट कहाँ होता है बेटा? एटम। एटम के अंदर बेटा होता है ऑर्बिट। ये एटम है बेटा, न्यूक्लियस सेंटर में उसके चारों सर्कुलर पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट। फिर एक और सर्कुलर पाथ आएगा बेटा, तो अब सर्कल बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, ये भी ऑर्बिट होगा बेटा। और सर्कुलर पाथ आएंगे, ये भी ऑर्बिट, और सर्कुलर पाथ आएंगे तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्बिट। ऑर्बिट। ऑर्बिट कुछ ऐसे बताया था बेटा। ऑर्बिट मतलब एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसको तुम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा? के एल। A, L, M, N इसे रिप्रेजेंट करते थे बेटा। अब इसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। N इक्वल टू वन या N वन, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह से चलेंगे, ठीक ना बेटा? तो ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन एटम, एटम के अंदर क्या होता है बेटा? ऑर्बिट। एटम में ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे बेटा? सबसेल। तो पहले ये फर्स्ट है, इसमें सबसेल कौन सा होता है बेटा? एस। सेकंड में कौन से सबसेल होते हैं? एस और पी। थर्ड में कौन सा होता है बेटा? एस पी डी। अब एक और बढ़ जाएगा, ठीक ना बेटा? अभी तक जो भी नॉन एलिमेंट है, अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए बेटा, न्यू स्टूडेंट लोग ध्यान रखना स्पेशली, जितने भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं या अभी तक हैं जितने नॉन एलिमेंट, तो उनमें इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है बेटा? एस में जाता है, पी में जाता है, डी में, या एफ में। इसलिए पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है बेटा अभी? फोर। कितने ब्लॉक से बेटा? फोर। अगर इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में गया तो क्या होगा बेटा? एस ब्लॉक। पी में गया तो पी ब्लॉक। तो याद रखना बेटा, ऑर्बिट जो है और सेल मतलब n इक्वल टू वन, ठीक है, टू थ्री, बस इतनी से। तो उसके अंदर सबसेल कौन कौन सा है बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट में सबसेल कौन सा है बेटा? s s s। सेकंड में p s और p। थ्री में, थर्ड में एस पी डी डी,
ठीक है ना बेटा। अब ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है बेटा, सॉरी सबसेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे बॉक्स, बॉक्स टाइप का समझ लो, ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे बॉक्स, ठीक है ना समझने के लिए। तो एस के अंदर कितने बॉक्स होते हैं बेटा, प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर चुके हैं उनको याद है बेटा ये सब, और याद रखना पड़ेगा। नए स्टूडेंट आपको भी याद रखना बेटा, समझना कम है इसे, ये सभी चीजें इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो न्यू स्टूडेंट ध्यान दें, तो कितने ऑर्बिटल है बेटा इसमें, पी में ऑड नंबर में, नेक्स्ट ऑड नंबर कौन है, थ्री, ऑड नंबर बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्वांटम नंबर जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा। डी में कितने होते हैं बेटा, नेक्स्ट थ्री के बाद ऑड नंबर, फाइव, एस में वन, पी में कितने बेटा बॉक्स, थ्री, एफ में कितने होंगे बेटा, डी में होंगे फाइव, एफ में कितने होंगे बेटा, सेवन, सेवन। तो बॉक्स आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, है ना बेटा, इन्हें हर एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्बिटल्स, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स ना, ऑर्बिट तो एन हो गया। तो बेटा देखो आप सब एस एक जैसे तो है नहीं बेटा, सब में एस है तो सब एक जैसे कहलाएंगे क्या, पता तो होना चाहिए ना कौन सा एस कहाँ का। तो ये वन का एस है तो वन एस, टू का एस है तो टू एस, थ्री का तो थ्री, यहाँ पे भी ये वन एस, टू एस, टू पी, थ्री, ये क्या होगा बेटा, फोर, ठीक है ना बेटा। यस सर, ये सब याद रखना बेटे का पड़ेगा बेटा, न्यू स्टूडेंट लोग को भी खास करके बोल रहे हैं। तो लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बच्चा लोग, ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल कहाँ होता है बेटा, सबशेल, 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 सबशेल कौन से हो गए, क्लियर है बेटा, एस पी डी एफ, ठीक है ना बेटा। सबशेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर, अभी जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से, तो बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कैसे निकलेंगे बेटा, वन टू वन, उसका थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन। अब क्यों ऐसे हो रहे हैं बेटा, क्वांटम नंबर जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा ये। तो कितने बॉक्स है बेटा इसमें, वन, वन, पी में वन, पी में वन कहां से, वन टू थ्री ना, डी में, सॉरी एस में वन, पी में थ्री, डी में कितने है बेटा, फाइव, एफ में होता तो सेवन। तो समझ में आया बेटा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट किसी भी एटम्स में इनफिनाइट हो सकते हैं, ऐसा बोल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है बेटा। जहां तक इलेक्ट्रॉन है उनको रियल, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसे इमेजिनरी। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी पे बेस्ड बेटा, ऑर्बिटल के मतलब कौन सा ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, कौन से सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। तो ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए, फर्स्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट, सबशेल, ऑर्बिटल, क्लियर है सभी को, यस सर, यस सर। ऑर्बिट कोई स्केच में सर बोल रहे थे क्या साहब, कुछ डाउट है होगा बेटा, ये याद रखना है ठीक है ना। तो ऑर्बिट क्या है बेटा, सर्कुलर पाथ। सबशेल क्या है बेटा, सर्कुलर पाथ में लोकेशन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना बेटा, और उस लोकेशन के अंदर भी एक ऐसा लोकेशन जहां पे फिक्स है बेटा, वहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा और कहीं नहीं, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे बेटा ऑर्बिटल, ठीक है ना बेटा। तो एक्स ये तो हो गया था, फिर तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बेटा। तो बचपन में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कौन से थ्योरी पढ़े हो बेटा, बोर्ड्स बेरी रूल्स पढ़े होगे बेटा, या ये रूल्स नहीं सुने होंगे तो आप इस तरह से एटॉमिक नंबर पता रहता था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन करते थे, पहला ऑर्बिट में टू, फिर एट, फिर वन, करते थे कि नहीं बेटा,
यस सर सोडियम का एटम है उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिर एक और सर्कल बनाते थे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में एक और सर्कल बनाते थे वहां पे लिख देते थे 1 इलेक्ट्रॉन या उस तरह का डॉट बनाते थे 2 डॉट 8 डॉट्स और 1 डॉट यही करते थे ना बेटा यस सर तो अब यहां पे बेटा देखो फर्स्ट वाला एस फर्स्ट में कौन सा है बॉक्स है सबसे ले बेटा एस ये 2s कहां गया है बेटा एस में गया है ये 8 कहां गया है बेटा 281 लिखते थे ना बेटा ये 2 कहां पे गया है 8 कहां पे जाएगा और 1 कहां पे जाएगा तो इस डिटेलिंग को ही हम लोग यहां पे पढ़ेंगे 11th में ठीक है ना पहले 281 कर देते हैं बट 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है 2 में 2 सबसेल हैं किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा 3 में सबसेल कितने हैं 1 2 3 तो किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में तो उसके लिए पहले कौन सा लॉ पढ़े थे बेटा ऑफ बॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही डिस्कस किए थे बेटा उसके अंदर भी फर्स्ट देखे थे हमने डिस्कस किए थे अब्बास लॉ ये लोकेशन एकदम दिमाग में छप गया बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा ऑर्बिटल में सबसेल में और सबसेल किसके अंदर होते हैं बेटा ऑर्बिटल में और ऑर्बिटल किसके अंदर होता है बेटा एटम में सॉरी ऑर्बिट में ऑर्बिट किसके अंदर होता है एटम दिमाग में रट गया सबको यस सर याद रखना है बिल्कुल बेटा अब उसके बाद ये दिमाग में बैठ गया बेटा ऑर्बिट के अंदर फर्स्ट में कौन सा सबसेल होगा एस सेकेंड में एसपी थर्ड में एसपीडी फोर्थ में एसपीडीएफ उसके बाद कौन सा आता बेटा अल्फाबेट देखोगे फॉलो करके तो फिफ्थ में आएगा तो एस पी डी एफ जी फाइव में जाओगे तो सिक्स में जाओगे तो एस पी डी एफ ई मतलब एस पी डी एफ जी एच आ जाएगा ठीक है ना बेटा प्लीज चेक द वेटिंग रूम हाँ बेटा देख रहे हैं कई लोग बस आना जाना लगाए रहते हैं तो अब्बास लॉ क्या कहता है बेटा एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्योंकि डिटेलिंग कर चुका है इस क्वेश्चन मतलब टॉपिक के साथ है ना बेटा तो क्या कहता है बेटा इलेक्ट्रॉन फर्स्टली कहाँ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन फर्स्टली गोज टू लो एनर्जी low energy to high energy सबसे ये होता है बेटा अब्बास लॉ तो इसका लिमिटेशन क्या है बेटा कुछ ऑर्बिटल्स हैं एनर्जी ऑर्डर उनको बताया नहीं जा सकता ठीक है ना बेटा ऐसा कुछ बताया था तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ कहाँ जाएंगे बेटा फर्स्टली गोज टू लो एनर्जी ऑर्बिट लो एनर्जी टू हाई एनर्जी सबसेल ठीक है ना बेटा और साथ में ये भी बताऊंगा एनर्जी ऑफ सबसेल इक्वल एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वैल्यू ये भी चीजें बताऊंगा बेटा यस सर बताया था ना यस सर क्यों ऐसा होगा बेटा इसके लिए पूरा थ्योरी है बोर्ड थ्योरी वहां पढ़ लेंगे हम लोग ठीक है ना अभी पढ़े नहीं तो फिलहाल याद रखना है और उसके बाद भी तुमको याद ही रखना है बेटा तो पहले याद रख लो बाद में पढ़ लेंगे क्यों ऐसा आया एकदम अच्छे से याद रख लेना बेटा लेकिन इसमें क्या दिक्कत था बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग दिक्कत ये आता था कि करेक्ट एनर्जी का ऑर्डर नहीं मिलता था सबसेल का तो इसके लिए मॉडिफाई करके एक बनाया गया लॉ एन प्लस एफ रूल इससे पता चलता था एक्चुअल में कौन से सबसेल का एनर्जी लो होगा तो एन प्लस एल वैल्यू हाई हुआ हेंस एनर्जी ऑफ सबसेल
एनर्जी ऑफ सबसेल, ये भी क्या होगा बेटा? हाय हाय एन प्लस एल वैल्यू लो, एनर्जी ऑफ सबसेल लो. एन प्लस एल वैल्यू हाई तो एनर्जी ऑफ सबसेल हाई, एन प्लस एल वैल्यू लो तो एनर्जी ऑफ सबसेल लो. ये था बेटा. और उसके बाद इफ एन प्लस एल वैल्यू आर सेम, इफ एन प्लस एल वैल्यू आर सेम तो एनर्जी का डिसीजन किस पे डिपेंड होगा बेटा? एन हाँ, देन एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल डिसाइडेड बाय एन वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ एन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सबसेल. तो बेटा ये सब पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है ना, जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं या सैटरडे को क्लास में ज्वाइन हुए, मतलब आज जिनका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है तो उनके लिए तकलीफ होगा क्योंकि ये सब चीजें याद रखनी है बेटा. तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिमाग में अच्छे से प्रिंट हो जाना चाहिए, मतलब फिक्स हो जाना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए. सेकेंड ये वाला कॉन्सेप्ट ऑर्बिट, सबसेल और ऑर्बिटल. अब अबाउ रूल तुमको याद रखना पड़ेगा बेटा. तो अबाउ रूल कहता है लो एनर्जी सबसे में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा देन हाई एनर्जी सबसेल. वही काम एन प्लस एल रूल भी कहता है, बट वहां पे वैल्यू एन हाई एनर्जी कौन होगा लो एनर्जी कौन होगा वो एन प्लस एल वैल्यू से पता चलता है. तो एन प्लस एल का वैल्यू हाई तो हाई एनर्जी, लो है तो लो एनर्जी. तो पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से कहाँ जाएगा बेटा? सबसेल में. तो करेक्ट एनर्जी का, हाँ, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी सबसेल में. अब एन का वैल्यू तो फिक्स है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट है तो वन, सेकेंड है तो टू, थर्ड है तो थ्री. अब एल के वैल्यू के लिए मैंने एक टेबल नोट करवाया था. एल को कौन सा क्वांटम नंबर बोलते हैं बेटा? नोट किया था क्या? ऐसे बता, क्वांटम नंबर, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना बेटा. वैल्यू क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, जहां तक काउंट कर सको. सबसेल कौन से होते हैं बेटा? एसपीडीएफ. जैसा कोड होता है ना किसी चीज का बेटा, वैसे ही सबसेल का भी कोड है. एस के लिए कौन सा कोड यूज होता है बेटा? एल का जीरो, पी डी एफ जी एच एंड सो ऑन. तो बेटा का पी सबसेल है तो उसके लिए कोड कौन सा यूज होगा बेटा? एल का वन. का सबसेल डी है तो कोड कौन सा यूज होगा? टू. इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना था बेटा. अब फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा? एन प्लस एल का वैल्यू, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सेल है बेटा? वन एस. फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सा सबसेल है? वन एस. कौन सा सबसेल है सेकेंड में बेटा? टू एस, टू पी. इसके लिए एन प्लस एल कैसे निकाला जाता था बेटा? एन का वैल्यू वन, ऐसे तो एल का कोड क्या है बेटा? जीरो. ठीक है न्यू स्टूडेंट बेटा, टू है एन का वैल्यू, पी है तो कोड क्या, सॉरी जीरो है, एल है ऐसे तो टू. यहाँ पे क्या है बेटा? टू. पी क्या है तो एल का वैल्यू कितना रखना है बेटा? वन. नया बच्चा को समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर. तो थ्री एस का कितना निकला था बेटा? थ्री प्लस जीरो इक्वल टू थ्री. एट फोर कहाँ से? तो फोर एस, फोर पी, सॉरी थ्री तो बचा ही ना, थ्री पी, थ्री डी, फोर एस, फोर पी. यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आता है बेटा? थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर. यहाँ पे थ्री प्लस डी के लिए कोड होगा टू, तो फाइव. फोर प्लस जीरो इक्वल टू फोर. फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव. ठीक है ना बेटा? तो ये था एन प्लस एल रूल. एनर्जी किसका कम होगा इससे एक्चुअल में पता चलता है.
और कॉन्सेप्ट यही यूज होगा बेटा, लो एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा देन हाई एनर्जी में, था ना बेटा? तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब सेल क्या बना था? ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब सेल क्या था बेटा? ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो सबसे देखो लो वैल्यू किसका, एन प्लस एल का, उसका एनर्जी कम, तो 1s, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजा जाएगा बेटा? 2s, 2s. अब देखो ये भी 3, ये भी 3, तब क्या करना है बेटा? n वैल्यू, तो यहाँ पे n वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले किसको जाया जाएगा बेटा? 2p के बाद किसको भेजेंगे बेटा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजेंगे? 3s के बाद 3p, ठीक है ना बेटा? d में 5 है और 4s में 4 है, तो पहले किसको जाएगा बेटा? 3d के बाद कहाँ जाएगा बेटा? 4p. बस इतना था, क्या रखना? तो यही था ना बेटा n plus l rule से एनर्जी ऑर्डर? यस सर, यस. इतना याद रखना पड़ेगा बेटा. हाँ, और यहाँ पे बॉक्स में, एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कितने होते बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ बॉक्स कितने हैं? 1 एक घर में, एक बॉक्स मतलब एक रूम, एक रूम में दो लोग रहेंगे, तो यहाँ पे बेटा तो 1 बॉक्स है तो 2, यहाँ पे भी 1 बॉक्स है तो कितने लोग रहेंगे बेटा? यहाँ पे 2. 3 बॉक्स है तो कितने बेटा? 6. ये लो 4 बोल रहे हैं. यहाँ पे 2, एक बॉक्स में 2, तो 3 बॉक्स है मतलब 6. क्लियर बेटा? यस सर. तो नया बच्चा लोग जो है स्क्रीनशॉट ले ले बेटा. ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट? यस. एकदम शॉर्ट में समरी बता दिया गया है, तो भी तो ये इधर वाला पेज पूरा रटना होना चाहिए, ये समझने वाला था, ठीक है ना बेटा? लो एनर्जी किसका है, ये एन प्लस एफ बताता है, तो ये याद रखना बेटा. तो पहला लो एनर्जी मतलब गरीब और हाई एनर्जी मतलब अमीर. तो अब बार रूल क्या कहता है बेटा, इसको याद रखने क्या बोला था मैं? गरीबों का कल्याण पहले करना पहले. है, फिर अमीरों का, ठीक है ना? अब बार रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किसको देना है बेटा? गरीबों को. तो गरीब कौन बताएगा बेटा? इसके लिए एक एजेंट को बैठा के रखे, मतलब एक मतलब जो भी है बाबू को बैठा के रखे हैं कि ये बताएंगे कि हाँ भैया ये है गरीब, ठीक है ना? एक पर्सन को बैठा लिया. तो ये कैसे देखता है बेटा? एन प्लस एयर रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, और उससे गरीबी और अमीरी का ऑर्डर बनता है. तो सबसे गरीब कौन है बेटा? एस. तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम? 2. उसके बाद कौन सा है बेटा? ये भी ऐसे, तो 2. पी में मैक्सिमम कितने दे सकते हैं बेटा? 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, इसका वेट फिक्स है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब चाहिए. अगर कम है तो चलेगा, लेकिन ज्यादा है आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 10 नहीं दे सकते हैं. ये कितना ले सकता है मैक्सिमम? 6. इसलिए लास्ट कॉलम एड करवाया हूँ. तो वैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन करते थे क्रोमियम और कॉपर का. कितना एटॉमिक नंबर है बेटा? 24 और 29 23. बोल रहे देखो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं. एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर. तो बेटा लास्ट लेक्चर में वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा था, ठीक है ना, इसीलिए इसको रिवाइज कर रहे हैं. मतलब कंप्लीट जैसा समझाया था वैसा ही समझ लो कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़े नहीं थे. तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 24. तो एक लाइन से हमारे गरीब बाबू लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए. इलेक्ट्रॉन बांटने स्टार्ट करें बेटा? यस. इतना में काम हो जाएगा हमारा. तो बेटा सबसे पहला गरीब कौन है? 1s, और सबसे कम गरीब है 3d.
तो इलेक्ट्रॉन पहले कितने बेटा हमारे पास 24, मतलब दो दो रुपया, मतलब 24 रुपया है, 24 रुपीस है, सबका कार्ड फिक्स है। एस को कितना रुपए देना मैक्सिमम? 2 मैक्सिमम 6, डी को मैक्सिमम दे सकते हैं 10, एफ तो है ये नहीं है। तो बेटा पैसा बांटना स्टार्ट करें, इसको 2 रुपीस दिए, इसको 2 दिए, इसको 6 दिए, अभी भी हमारे पास पैसा बचा कि खर्च हो गया बेटा? बचा ना 14, तो 2 इसको भी दे सकते हैं, इसको 6 दे दिए, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास बेटा? 6 बचा शायद, है ना बेटा? बांटना है बेटा, सबका कार्ड फिक्स है, मतलब रेट फिक्स है, तो आप बचा 2 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, यही होगा ना बेटा? यस सर, यस सर। तो ये अब भाव के अकॉर्डिंग है बेटा, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। करेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में इस तरह से लिखूंगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। बताएंगे पहले 1s, बताएंगे क्या लगे, आप लिख लेते हैं 2p, 3s, 3p6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था बेटा, सही जा रहा था। दिक्कत आ गया 4s 3d में, यहाँ पे भेजा गया 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1, बताएंगे रीजन क्या है इसका, ठीक है। सेम ऐसे ही किसके साथ है बेटा? क्रोमियम के साथ, सॉरी कॉपर के साथ, क्रोमियम तो हो गया 29। तो 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s 2, 3p6, 4s 1, 3d। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा हमारे पास? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। 18 में से 2 यहाँ जाता, 9 यहाँ जाता, तो हो जाता ना बेटा 29 इलेक्ट्रॉन। यस सर, यस सर, ठीक है बच्चा। ये डिस्ट्रीब्यूट करने आ गए बेटा, मतलब पैसा लेके बैठे हो तुम, और तुमको पैसा बांटना है, तो एस को मैक्सिमम कितना रुपए देना है बेटा? 2। टी को 6, डी को 10, ठीक है ना। तो हमारे पास था पैसा इसलिए 6 दिए, लेकिन टी को 6 से ज्यादा नहीं देना बेटा, और कम भी नहीं देना अगर है तो, नहीं है तो बात ही अलग है बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? ये भी है इनकरेक्ट। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो यहाँ पे, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो 2 4 6 हो गया 10, 12 6 18, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे अलग आया, दिख रहा है बेटा सभी स्टूडेंट को, जो नया है पुराने है, समझ में आ रहा है कहाँ पे मिस्टेक का, मतलब कहाँ पे चेंज हो रहा है? यस सर। तो ये है बेटा करेक्ट, इसको बोला जाता है, क्यों करेक्ट है? ड्यू टू सिमेट्रिकल इफेक्ट। अब क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। ये भी करेक्ट है क्या बेटा? ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट या सिमेट्रिकल इफेक्ट। अब ये सिमेट्री इफेक्ट है क्या वो डिस्कस कर लेते बेटा। तो कॉपर क्रोमियम सोर्स एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन किस लोकेशन पे है बेटा, ये क्लियर है? इस जगह पे, यहाँ पे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन शो कर रहा है। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट, ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। तो पढ़ लेते हैं बच्चा, अलग से डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक लेके, हेडिंग बनाकर, ये सिमेट्री इफेक्ट क्या बोला है और सिमेट्रिकल इफेक्ट। सिमेट्रिकल इफेक्ट, इस इफेक्ट को समझने से पहले बेटा एक छोटा सा आंसर मुझे दे दो, ठीक है ना। घर में 3 बच्चे रहते हैं, ठीक है, इनके पेरेंट्स आते हैं, इनके पापा कहीं से कमा के, ठीक है ना बेटा, सबको बोलते हैं खर्चे के लिए 100 रुपया दे देते हैं, 100 रुपीज,
ये तीनों खुश हो जाएंगे बेटा, कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेगा। बट अगर मैं एक को 100 दे दूं, दूसरे को 100 दे दूं और तीसरे को 2 ही ना, बोला हट नहीं देता तेरे को, नलायक है तो, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा बेटा, तीनों आपस में झगड़ेंगे। Yes, पेरेंट्स के सामने ना झगड़े, लेकिन बाद में तो बोलेंगे ना, भाई मुझे दे दे थोड़ा सा, क्या करेगा तू तो इतना पैसा क्या खर्च करेगा। कई लोग भुक्त भोगी भी होंगे क्लास में, ऐसा होता होगा भी कई लोगों के साथ, होता है कि नहीं होता बेटा? Yes, sir. हाँ, तो झगड़ा होता ना, गुस्सा आता है कि नहीं आता बेटा? ये नाराज हो जाएगा तो झगड़ेगा नहीं, ठीक है ना? मान लो घर में छोटा है, छोटे वाले को तो मिल ही जाता है, बड़ा है समझदार है तो झगड़ेगा नहीं, कम से कम गुस्सा होगा। जहां दो रोटी खाता था वहां एक रोटी खा के सो जाएगा ये ना बेटा? Yes, sir. हाँ, तो सबको बराबर बराबर मिल गया तो खुश, तो इसको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिक, ठीक है ना? किसी को कम ज्यादा मिला तो दुखी है ना बेटा, इसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक। तो बेटा सिमेट्रिकल या सिमेट्री इफेक्ट में भी कुछ ऐसा होता है। देखो यहाँ पे डी में कितने बॉक्स है बेटा, डी में कितने बॉक्स है बेटा? Five. मतलब कितने ऑर्बिटल हैं जी? 5। तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन, पहला केस में इसको देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितना है बेटा सेकंड में? 5। तो बेटा देखो यहाँ पे सबको 100-100 रुपीस मिला, इसको कुछ नहीं मिला। ये ऑर्बिटल बुरा मान जाएगा ना, बोलेगा भाई मुझे क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन दे रहे हो करके, मानेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया, मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बुरा मान जाएगा, ये इससे खींच लेगा, तो ऐसे झगड़ा होते रहेगा। तो बेटा स्टेबल घर में अगर झगड़ा हो रहा तो घर में स्टेबिलिटी रहेगा, सुख शांति रहेगा? No, sir. तो नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा घर में? तो फिर इसलिए यहाँ पे एस, यहाँ पे भाई ले ले तू एक इलेक्ट्रॉन, झगड़ा बंद करो, रोज का कचपी से अच्छा नहीं लगता। तो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया बेटा? ये देखो, अब देखो एस को तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ वो चेक कर लेते हैं बेटा। एस में तो एक ही है बॉक्स है, चाहे एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखो तो भी ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रखो तो भी ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी सिंगल गया है तो ये आधा भरा हुआ है, और डबल इलेक्ट्रॉन करेंगे मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो फुल फिल्ड हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ फिल्ड, ठीक है ना? अब इसको समझते हैं ये वाला केस को। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 9, और एक बार डी में क्या है? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये साइन सर आप ऐसे बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, इस पे कंफ्यूज मत होना। नया बच्चा ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन सीधा घूमा मतलब क्लॉकवाइज, तो ये सिंबल यूज करना है। इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है तो ये सिंबल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये याद रखना है बेटा। ऊपर नीचे कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, वो एक्चुअल में सीखा जाएगा हुंड्स रूल, जो इसके बाद वाला टॉपिक है। यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन मिला बेटा, मिला? Yes. कि नहीं मिला? यहाँ पे इसको एक मिला, सबको 200 रुपए मिले, इसको 100 रुपीज मिल रहा है, तो ये बुरा मान जाएगा फिर से? Yes, sir. बुरा मान जाएगा तो झगड़ा स्टार्ट कर देगा बेटा, करेगा कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे सिमेट्री हो गया ना बेटा, करेक्ट वाला कहाँ गया? ये यहाँ पे, तो समझ में आया बेटा? Yes, तो yes. सिमेट्री फिर कहता है हाफ फिल ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फिल्ड और
More than fulfilled. More than half filled. या फिर less than or fulfilled. ठीक है ना बेटा. तो अगर ऑर्बिटल्स हाफ फिल है और फुल फिल्ड है तो वो क्या होगा बेटा, स्टेबल. इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है बेटा, 3d में. और यहाँ पे 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाता है बेटा, अगेन 3d में. इसलिए क्रोमियम कॉपर का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोले तो ये करेक्ट ये वाला नोट करोगे. ठीक है ना बेटा. यस सर. तो इतना में किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ, क्या हो गया, कैसे बना? नो सर. इसे को बोलते हैं सिमेट्री इफेक्ट. ठीक है ना बेटा. यस सर. यस. तो यहाँ पे बना लेते हैं डेट मींस करके. सबसे कौन-कौन से सबसे पहले बेटा एस पी डी ए पी है. यहाँ पे कितना हाफ फिल्ड देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होगा बताओ. तो ये वन, ये कितने से बेटा, थ्री फाइव. ये वन, सॉरी वन नहीं, टू. सेकेंड वाला बेटा सिक्स इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगा ना बेटा. और ये टेन इलेक्ट्रॉन. तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल. ठीक ना बेटा. यस सर. तो एस में अगर इलेक्ट्रॉन वन हुआ तो स्टेबल, या टू हुआ तो, पी में थ्री हुआ या सिक्स हुआ तो स्टेबल, डी में फाइव हुआ या फिर टेन हुआ तो स्टेबल. क्लियर बेटा. यस सर. That means subshell S, P and D are stable in stable or S1. इसको क्या बोलेंगे बेटा, P3. इसको क्या बोलेंगे बेटा, D5. और S2 और P3, सॉरी 6 और D 10. ये सिमेट्रिक है. तो हाफ फिल फुल फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये याद रखना बेटा, नोट कर लो. तो हुन सुरु क्लियर है बेटा, सबको सेम डायरेक्शन में सुलाना है. ठीक है ना. Yes, मतलब पैरेलल स्पिन बोलते हैं, या फिर अगर अगर सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या कराना है, पेयरिंग करवाना है. तो इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाए सब सेल में, मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे सुलाया जाए सब सेल में, ये कौन बताता है बेटा, हुन. ठीक है बच्चा लो. यस सर. ठीक है बेटा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे ना. यस सर. ओके सर. तो कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग? नो सर. ठीक है चलो, बाय बच्चा लोग. बाय सर. बाय सर. बाय सर.